आपने देखा होगा कि कुछ लोग सक्सेस के टॉप पर होते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। सक्सेस लोग इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ के बारे में उन बातों को समझने का ट्राई किया है जिन बातों पर नॉर्मल लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। ये बातें ज्यादातर इनडायरेक्ट होती हैं, लेकिन हमारे लाइफ को दिशा इन्हीं बातों से मिलती है। आप कितने भी गुणवान होशियार क्यों ना हो, आपका कितना भी तेज आईक्यू क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप कितने भी इंस्पिरेशनल वीडियो देख लो, चाहे जितनी इंस्पिरेशनल बुक्स क्यों ना पढ़ लो, अगर आप हर रोज अपने काम पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। हम सभी को पता है कि सिर्फ अक्वायर्ड नॉलेज कर लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ही एक्शन भी लेना पड़ता है। लोगों के सपनों को सबसे ज्यादा लेजीनेस ने ही वेस्ट किया है, उन्हें हर पल पर तोड़ा है, उन्हें डिस्ट्रॉयड किया है इस टालने की हैबिट ने कि मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा। हमसे बहुत कुछ छीना है। यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। इस हैबिट ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह रिग्रेट कराया है, काश मैं और एक कोशिश कर लेता। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस के इस सब्जेक्ट को समझने का ट्राई करेंगे। इस बुक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आप अपने लेजीनेस से छुटकारा पाकर हार्ड वर्क कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के गोल्स को सिर्फ 6 मंथ्स में पूरा कर सकते हो। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक को मोहम्मद शकील ने लिखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। क्या आप भी अपना खाली टाइम यूट्यूब पर बिताते हैं, ऐसी वीडियो पर जो आपकी सक्सेस के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकती? आप रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है, बस जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलाते जा रहे हैं। ये आपके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि आपका फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हैरानी की बात नहीं है अगर आप ऐसे हैं, क्योंकि दुनिया में 90% लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आपको 90% में नहीं आना है, आपको 10% में आना है। जो अपने गोल्स को लेते भी है उन पर काम भी करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी से इंप्रूव करें। लेकिन जैसे ही लेजीनेस का साइकोलॉजी पता चलेगा, आप भी हर काम को तुरंत करना शुरू कर देंगे। यह सब तक हो सकता है जब आपको सोचा नहीं, बस शुरुआत कर देना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले सीखूं फिर प्लान बनाऊं तब करना शुरू करूंगा। आप न ही सीखते हैं न ही शुरुआत कर पाते हैं, क्योंकि सीखने के लिए भी आपको शुरुआत करने की हैबिट डालनी होगी। इस कॉम्पिटिशन से भरी दुनिया में आपको टालने की हैबिट को खत्म करना होगा, नहीं तो आपके पीछे करके कोई और ही आगे बढ़ जाएगा। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप ध्यान दोगे तो 24 में से ज्यादातर घंटे आप वेस्ट करते हो। आप इनमें से 8 घंटे तो सोते हो। चलिए मान लेते हैं कि आप जॉब करते हो, 8 घंटे वहां देते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे हैं। इनमें से चलिए मान लेते हैं कि 2 घंटे आप अपने खाने पीने और नॉन प्रोडक्टिव काम में देते हैं, आप 2 घंटे परिवार को भी देते हैं, तब भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं, यानी साल के 2920 घंटे। अगर आप इतने घंटे अपने गोल्स पर काम करते हैं तो कोई उस गोल को पूरा होने से नहीं रोक सकता। अब आप सोचोगे कि क्या जिंदगी जीना छोड़ दे, तो नहीं। जब आप अपने गोल्स को पा लेंगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तब आपके पास जॉब वाला टाइम भी बचेगा, आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाओगे, फिर बिना बॉस के परमिशन के कहीं भी छुट्टियां पर जा सकोगे। अगर इतने फायदे के लिए आप अपने जीवन के कुछ साल नहीं गंवा सकते तो पूरी जिंदगी फालतू कामों और बॉस की चिक चिक सुनने में ही गंवानी पड़ेगी। इसलिए हर सक्सेसफुल व्यक्ति की सुनो, अपने खाली टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करो या फिर किसी भी माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखो। लेसन 2, टाइम मैनेजमेंट। आपका स्कूल हो, मिलिट्री कैंपस हो या कोई अन्य ऑफिस, यहां पर टाइम क्यों निर्धारित होता है? ये इसलिए नहीं कि यदि आप आधे घंटे पहले ऑफिस चले जाओगे तो बहुत ज्यादा काम कर लोगे, स्कूल में टाइम पर चले जाओगे तो एग्जाम में फर्स्ट आ जाओगे। ये सब इसलिए ताकि आप टाइम की कीमत को समझे। जब तक हम स्कूल में होते हैं तब तक हमें टाइम की कीमत पता होती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारी नजर में टाइम की कोई कीमत नहीं रहती।
टाइम का मैनेजमेंट आपको सिखाना ही पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आपने कौन सा काम प्रोडक्टिव किया, फिर कहां पर आपने अपने टाइम को वेस्ट किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी एप्स है जो आपका यह काम कर सकती है, जहां पर आप अपने टाइम की लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अनप्रोडक्टिव काम करते भी हैं तो वह आपको पता होना चाहिए, ना कि अनकॉन्शियस। आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। फिर अगर आपको पता होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कोई बात नहीं, कभी कभी आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह पता भी होना चाहिए, हर दिल को खुश करने वाले कार्य से डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन हर बार मोबाइल का यूज करने के बाद बढ़ता रहता है। इसको कंट्रोल्ड करने का तरीका यही है कि आप मोबाइल ऑफ सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहे। ऐसा होगा तब जब आप मोबाइल ऑफ सोशल मीडिया को कभी कभार ही यूज में लाते हैं। आपको लगता है कि आपको मोबाइल की एडिक्शन नहीं है, तो जरा खुद से कुछ सवाल पूछिए। 1. क्या आप मोबाइल खुद से दूर रखकर सो सकते हैं? 2. क्या आप बार बार मोबाइल को चेक करते हैं? 3. क्या आप एक दिन में मोबाइल के बिना रह सकते हैं? अगर इनमें से किसी का भी जवाब न में है तो आप मोबाइल के एडिक्टेड है। एप्स की एल्गोरिथम बनी ही ऐसी होती है कि आप खुद को उनके साथ जोड़े रखें। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाया जाएगा। इसलिए इन एप्स को बिल्कुल भी प्ले मत करिए। ये सारी की सारी गलती सिर्फ आपकी है। लेसन 3, एनर्जी एंड मोटिवेशन। आपने जरूर सुना होगा कि सक्सेस पाने के लिए सही टाइम 20 से 30 साल के बीच में होता है। ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि इस टाइम में इंसान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अनफॉर्चुनेटली आज का टाइम उल्टा हो चुका है। जितने भी हमारे युवा हैं वह अपनी सारी एनर्जी कहीं और ही वेस्ट कर रहे हैं। अपने गोल पर काम करने के लिए उनके पास एनर्जी बचती ही नहीं। इससे पहले कि आप अपनी एनर्जी के बारे में कोई बहाना करें, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप 6 महीने में मरने वाले हैं तो क्या करोगे? बस वही अपने गोल के बारे में सोचो। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन कुछ न करके फेल होना बहुत गलत है। मैं तो कहूंगा गुनाह है। आप अगर पड़ी हुई चीज भूल जाते हो तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आप उसको अप्लाई नहीं करते। हर सीखी हुई चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जब आप किसी सीखी हुई चीज को अपने जीवन से जोड़ते हो तो वह आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाती है, जिसको करने के लिए आपका दिमाग कभी थकता नहीं है। आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो। हैबिट के पावर को समझने के लिए आप एटॉमिक हैबिट बुक समरी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेसन 4, रोल ऑफ डोपामिन। आप कुछ सालों पहले के बारे में सोचिए, जब आपके माता पिता व दादा दादी युवा थे, तब क्या वह अपना जीवन नहीं जी रहे थे? अगर देखा जाए तो शायद वह आपसे बेहतर लाइफ जी रहे थे। हाँ, बस थोड़ी पैसों की कमी थी। पहले के लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते थे क्योंकि वह अपने दिमाग का ज्यादा यूज करते थे। वही आज मोबाइल और इंटरनेट होने की वजह से आप में डोपामाइन इतना अधिक रिलीज होता है कि आपकी छोटी सी खराब हैबिट कब आपका एडिक्शन बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। एक तरफ जहां ये डोपामिन आपकी हर समस्या का कारण है, तो वही आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड का कारण भी यही है। डोपामिन हर उसे काम से रिलीज होता है जिसमें आपको मजा आता है। आपके दिमाग को नहीं पता होता कि किसी काम का क्या असर होगा। इसको बस अच्छा लगता है तो यह डोपामिन रिलीज करता रहता है। आज दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, उन लोगों का डोपामिन अच्छे कामों के लिए रिलीज होता है। वह अपने काम को जितना करते हैं उनका उतना ही डोपामिन रिलीज होता है, फिर वह उतने ही सक्सेस होते रहते हैं। यहां तक कि उनका दिमाग सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी डोपामिन रिलीज करना बंद नहीं करता, वह और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, सक्सेस की हर एक ऊंचाइयों को छूते हैं। यह सब एक प्रकार के केमिकल का लोचा है। आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे या फिर नशेड़ी बनेंगे, इस डोपामिन को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल्ड कर सकते हैं। बस आपको किसी काम को हैबिट बनाना होगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार बुक समरी चैनल शुरू की थी, जब मैंने पहली बार अपनी पोस्ट डाली थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाबुक के जोर पर मुझसे यह करवा रहा है। वहीं अब मैं 4-5 घंटे किसी भी बुक को पढ़ सकता हूं। टाइम की कमी है, वरना रोजाना एक समरी डाल सकता हूं।
शायद आपका सपोर्ट के से मैं ऐसा कर भी सकूं। हैप्पीनेस पैसे या कार से नहीं मिलती, यह आपके दिमाग का डोपामिन है जो आपको खुशियां देता है। लेसन 5, सेटिंग अप गोल्स। अगर आप हर तरीके अपनाकर अपने गोल को प्राप्त नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गलती कहां हो रही है। जिस तरह से मैं यह समरी लिख रहा हूं, ठीक उसी तरह से आपको अपने गोल्स भी लिखने होंगे, पेपर पर, मोबाइल पर या किसी भी और स्क्रीन पर। लिखने से यह फायदा होता है कि आपको समझ आएगा आप चाहते क्या है। एक बार जब आपको पता चल गया कि आप करना क्या चाहते हो, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में शुरू कीजिए। कोई भी गोल आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट नहीं लेते हो। इन छोटे हिस्सों का सबसे पहला भाग इस समरी है। जब आप यह समरी देख रहे हैं, तो आप नॉलेज लेना चाहते हैं, मतलब आप अपनी गोल की तरफ एक कदम बढ़ चुके हैं। आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए एक एक्टर है, आप उसके डायरेक्टर हैं। आपके इंस्ट्रक्शन देने पर ही यह काम करेंगे। हम अपने दिमाग को वह इंस्ट्रक्शन राइटिंग और एफर्मेशन से देते हैं। हर छोटे टास्क को पूरा करने के बाद आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप एक साथ अपनी गोल को पाना चाहोगे, तो आपको गोल कभी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। यही प्रिंसिपल लगभग हर प्रोडक्टिविटी बुक में लिखा है। बेशक आपके जीवन में गोल पूरे करने के लिए उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन बिना हार माने अपने लिए हुए प्लान्स के मुताबिक चलते रहो, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। लेसन 6, डू यू रियली नीड इट। अभी तक जितने भी हमने लेसन देखे हैं, वह प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, यह आपकी जरूरत पर डिपेंडेंट करता है। आप खुद से पूछो, जो आप चाहते हैं वह सच में आपको चाहिए या सिर्फ एक ख्वाहिश है? जो पूरी नहीं भी हुई तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। जरा इमेजिनेशन करो, जब आप पूरे महीने हार्डवर्क करते हो, फिर मंथ के अंत में आपको सैलरी भी ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? जब आप अपने गोल के लिए ऐसा सोचने लग जाएंगे, तभी आपको यह गोल प्राप्त होगा। इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी कोई काम हमारी जरूरत बना है, तभी उसका इन्वेंशन हुआ है। अपने गोल को अपनी जरूरत बनाइए। जब हम फिजिकल काम करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें इशारा देता है, बस बहुत ज्यादा हो गया, अब तुम्हारा शरीर थक चुका है। लेकिन जब हम कुछ ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमें ज्यादा इशारा नहीं देता। हम सोच सोच कर कितना टाइम वेस्ट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियल कोई अंतर नहीं पता होता, इसलिए इसको नेगेटिव सोच मत दो, क्योंकि फिर यह आपको वैसा ही बनता रहेगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक बुरे इंसान बन गए। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीदकर जरूर पढ़ें।